नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यास एसोसिएशन साहित्यिक कंसल्टेंट में। दोस्तों, अगर कोई भी कर्मचारी अगर आपकी संस्था में कार्य कर रहा है या कहीं से किसी भी कंपनी या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से कार्य छोड़ के आपकी कंपनी में आया है, तो दोस्तों आपको उस कंपनी उस वर्कर को उस कर्मचारी को आपको अपनी वेबसाइट के अंदर उसको ऐड करना होता है, ताकि आप उसका टाइम से और वेलफेयर फंड जमा करवा सकें कर सकें और वो अपने वेलफेयर का जो बेनिफिट होता है वो अपना टाइम टू टाइम अपना बेनिफिट लेता रहे। तो दोस्तों, अगर कोई भी कर्मचारी अगर आपके यहाँ से छोड़ के जाता है, तो आपको उसकी जैसे आप उसकी ज्वाइनिंग डालते हैं या जैसे आपको उस कर्मचारी की लीविंग ज्वाइनिंग अपनी वेबसाइट के अंदर डालनी पड़ती है, आपको उसकी एंट्री करनी पड़ती है, यानी कि अपनी साइट के अंदर ऐड करना पड़ता है। दोस्तों, सेम प्रोसीजर यही है कि आपको उस कर्मचारी को उसी तरीके से आपको उसमें अपनी वेबसाइट से लैप व्यू करना होता है। अगर आपको अगर कोई कर्मचारी आपकी कंपनी में कार्य करने के लिए आया, कि आपको कंपनी के अंदर ज्वाइन हुआ, तो आपने उसका अपनी वेबसाइट के अंदर यानी कि जो हमारी लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट जो साइट है, उसके अंदर उसको ऐड करना होता है। और सेम यही प्रोसीजर होता है कि अगर कोई भी कर्मचारी आपकी कंपनी छोड़ के चला गया है, तो आपको उसको लैप व्यू दिखाना होता है। अगर जब तक आप उसको लैप नहीं दिखाएंगे, तो वो कर्मचारी जिस भी कंपनी में जाएगा वो उसको ऐड नहीं कर सकता, यानी कि वो उसकी ज्वाइनिंग अपने कर्मचारी अपनी कंपनी के अंदर नहीं दिखा सकता। जैसे कि सपोज करते हैं कोई कर्मचारी मेरे पास कार्य कर रहा है और वो किसी और कंपनी में चला जाता है, जब तक मैं उसकी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी साइट के अंदर उसको लैप नहीं दिखाऊंगा, तब तक वो कर्मचारी उसको दूसरी कंपनी में उसको ऐड नहीं कर सकते, यानी कि वो अपने वेलफेयर की साइट के अंदर उसको ऐड नहीं कर सकते और उसको उसके वो ज्वाइनिंग नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को ओपन करना होगा। आप वेलफेयर का जो भी काम है, जो वेलफेयर आपने डालना है, एडिट करना है, या किसी भी कर्मचारी को ऐड करना है या एडिट करना है, वो आपको हरियाणा लेबर .gov.in की साइट पे लॉगिन करना होगा। दोस्तों, जैसे मैंने अपनी साइट को लॉगिन कर रखा है, लॉगिन करने के बाद आपको जाना वेलफेयर में, और वेलफेयर में आपको एक थर्ड ऑप्शन मिलेगा एडिट एम्प्लॉई। आपको यहाँ पे एडिट एम्प्लॉई पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप एडिट एम्प्लॉई पे क्लिक करेंगे, तो आप आपके किस कर्मचारी का के बारे में आपकी डिटेल ऐड करनी है, तो आप उसको उस कर्मचारी डिटेल को ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं किसी भी कर्मचारी को देखता हूं, तो मेरे को यहाँ पे उसका आधार नंबर डालना होगा। जैसे ही मैं उसका आधार नंबर डालूंगा, आधार नंबर डालने के बाद मैंने उसको फिल्टर करना है। जैसे दोस्तों, मैं किसी भी कर्मचारी का यहाँ पे जिस भी कर्मचारी को की डिटेल आपको एडिट करनी है या ऐड जोड़नी है या कुछ आपको हटाना है या कोई नाम करेक्शन हो गई है, वो नाम करेक्शन भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं, या कोई भी आपको लैप करना तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे उसका आधार नंबर डालेंगे, तो आपको यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है। आप जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने उसकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी और जो भी आपको डिटेल ऐड करनी है आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें से दोस्तों, एक तो होती है उसमें अगर कोई उसके नेम करेक्शन है, तो आपको यहाँ से उसका नाम की करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको किसी और संस्था में लड़का कार्य कर रहा है, जैसे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपका बहुत सी कंपनियों में आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा और बहुत सारी कंपनियों का में आपने अपने वर्कर्स दे रखे होंगे कार्य के लिए, यानी कि आपके वर्कर कार्य कर रहे होंगे, तो आपको हर एक कंपनी की BIPID के साथ आपको वेलफेयर फंड जो होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो सबमिट करना होता है, हर कर्मचारी की BIPID हर कंपनी की BIPID पे उसी की कर्मचारी के, यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसके अंदर जो कार वर्कर कार्य करता है ऑन रोल, जो आपके ऑन रोल पे और जिस कंपनी के अंदर कार्य करता है, तो उसकी BIPID आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। दोस्तों, जैसे अगर आपके यहाँ पे BIPID गलत डल गई है, वो किसी और कंपनी में कार्य करता था, आपकी BIPID चेंज हो गई है, गलत डल गई है, तो आप यहाँ से उसको सही कर सकते हैं। आप उसका नाम पर सही कर सकते हैं, फादर नेम सही कर सकते हैं। अगर आपने कोई और डिटेल नहीं डाली है, तो आप वो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आप उसका आप यहाँ से सही कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आप दो चीजें सही नहीं कर सकते, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और एक उसका आधार नंबर। अगर आपको कर्मचारी को लेफ्ट करना है, तो आप यहाँ पे उस पे क्लिक करके आप उसको लेफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, कर्मचारी को अपनी वेलफेयर साइट के अंदर से लेफ्ट कैसे करें, और अगर कोई कर्मचारी हमारे यहाँ से छोड़ के चला गया, तो
उसको कैसे इलेक्ट करें, या कोई कर्मचारी हमारे पास आया है किसी कंपनी से, हमारे पास कार्य के लिए आया है, तो हम उसको कैसे पता लगे कि ये किस कंपनी में कार्य कर रहा है, तो उसको आपको वैसे उस कंपनी से इलेक्ट करवा के आपको अपनी कंपनी के अंदर ज्वाइन करवाना होगा। और इसी प्रकार से आपको हमारी कंपनी से अगर हमारा कोई कर्मचारी कार्य छोड़ के गया है, किसी कंपनी में कार्य छोड़ के गया है, तो आपको उसको वहां से ही इलेक्ट करवाना होगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा, कर्मचारी की एम्प्लॉय की डिटेल को एडिट कैसे करें, उसमें चेंज कैसे करें, या उसको लेफ्ट कैसे करें। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी कंप्लाइंस रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। किसी भी हेल्प के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट में लिख सकते हैं।